हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित पेडागोजी का 15 क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कक्षा फोर्थ के अधिकतर विद्यार्थी यह सोचते हैं दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है, आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन बोला गया है कि कक्षा फोर्थ के विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि जो दो संख्याओं से हम गुणा करते हैं तो हमेशा सदैव संख्या जो प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, बड़ी होती है। तो आप उन्हें कैसे प्रदर्शित करेंगे कि ऐसा सत्य नहीं है, तो ये हम क्वेश्चन में बताया गया। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है, एक संपूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को दो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। सेकंड है, इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके। थर्ड है, दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके। फोर्थ है, ग्रेड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। तो ये ऑप्शन में दिया गया है, तो हमें क्या करना होगा, हमें बच्चों के अकॉर्डिंग जो चलना होगा वो हमें करना होगा, बच्चों को ग्रेड पेपर से जो ग्रेड पेपर लेंगे और दशमलव वाली संख्या को उस पर प्रदर्शित करेंगे और उन डब्बों के अकॉर्डिंग उन्हें प्रदर्शित करके बताएंगे कि ऐसा नहीं होता है। तो हमारा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें साथ ही साथ में। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो प्राथमिक लेवल पर विद्यार्थियों को माप पढ़ाने के लिए कौन सा कथन सत्य होगा, ये क्वेश्चन में बोला गया। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। सेकंड है, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। थर्ड है, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। फोर्थ है, अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन में दिया गया, तो आपको नेगेटिव कीवर्ड मिल गया होगा केवल, तो ये हमारा इसमें आंसर नहीं होगा, इसलिए हम इसे हटा देते हैं, तो इसमें हमारा आंसर नहीं है। तो हमारे पास बचते हैं फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि बात कर रहा है कि अप्रमाणिक, हमें माप के संदर्भ में बच्चे को पढ़ाना है, तो पहले क्या करते हैं, हम किसी अप्रमाणिक माप को लेंगे, क्या करेंगे, पहले प्रमाणिक माप को लेंगे, उसका उपयोग करेंगे और बाद में अप्रमाणिक मापों के बारे में बात करेंगे। तो इस द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषय को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन बिंदुओं या किन मूल्यांकन योजना का उपयोग किया जा सकता है। तो मूल्यांकन बिंदुओं की योजनाओं के बारे में पूछा जा रहा है, जो वास्तविक जीवन लाइफ को जोड़ने के लिए बात की जा रही है और अंतर विषयों को विकसित करने की बात की जा रही है क्वेश्चन के अंतर्गत। तो जैसे देख रहे हैं, फर्स्ट है, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा ड्रिल कार्य पत्रक। सेकेंड है, सर्वेक्षण परियोजना जाँच सूची। थर्ड है, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा जाँच सूची। फोर्थ है, क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना। तो हम अगर वास्तविक रियल लाइफ से गणित संबंधित प्रयोग करें अंतर विषय को विकसित करने के लिए, हमें कौन सी मूल्यांकन परियोजना का उपयोग करना चाहिए। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर जैसे कि होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले कि यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण के बारे में बात करनी चाहिए, क्षेत्र भ्रमण के बारे में बात करनी चाहिए, सर्वेक्षण के बारे में बात करनी है और परियोजना बनाने के बारे में बात करनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर साथ साथ में, इतनी मेहनत करने के बाद में लाइक तो बनता है। तो गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग या प्रयोग शिक्षा के साधन के रूप में किया जा सकता है। तो दृष्टिबाधित बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो गणित की कक्षा में आप उनका प्रयोग किस साधनों से या किसके रूप में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट है, टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट और संख्या चार्ट। सेकेंड है, संख्या चार्ट, कंप्यूटर जियो बोर्ड। थर्ड है, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर जियो बोर्ड। फोर्थ है, कंप्यूटर संख्या चार्ट और जियो बोर्ड। तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन उपयोगी होगा टेलर का गिनतारा,
कंप्यूटर और जियो बोर्ड, टेलर के गिनतारा पे क्या बच्चा काउंटिंग कर सकता है और कंप्यूटर से सुन सकता है, जियो बोर्ड से भी देख सकता है। तो इस प्रकार की चीज क्या है, हमारा आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समस्या में प्रवीण होती हैं। तो क्वेश्चन बोला गया कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक लेवल के जो बच्चे होते हैं जिनका आयु वर्ग है 8 से 9 वर्ष, तो किस समस्या में प्रवीण मतलब अच्छे होते हैं। तो फर्स्ट है वर्गीकरण, प्रतिवर्तिता, अनुपातिक विवेचन। सेकेंड है पंक्तिबद्धता, प्रतिबद्धता, अनुपातिक विवेचन। थर्ड है पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन। फोर्थ है पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिबद्धता। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो जैसे कि अगर हम बच्चों की बात करते हैं 8 से 9 वर्ग की, तो क्या है यहाँ पर थोड़ा चिंतन शक्ति है वगैरह डिफरेंट करना और पंक्तियों में चीज़ों को लगाना बच्चों के अंतर्गत आ जाता है। तो जैसे अगर इस तरह की चीज़ दिखाई तो हमारा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पे पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिबद्धता चीज़ें बच्चों के अंतर्गत होती हैं, इसमें वो प्रवीण होती हैं या मतलब अच्छे होती हैं कहा जाए तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। कक्षा फर्स्ट के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिसमें से पेन, रबड़ और सॉफ्टनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 सॉफ्टनर हैं। तो उसके विचार से विद्यार्थियों को गणना की किस सिद्धांत, किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ये क्वेश्चन दिया, थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाया, एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट है अमूर्त और असंगत क्रम सिद्धांत। सेकेंड है स्थिर क्रम और अमूर्त सिद्धांत। थर्ड है एकेकी संगत सिद्धांत। फोर्थ है अमूर्त सिद्धांत। तो यहाँ पर बच्चे ने क्रियाकलाप किया था, वो क्या किया था कि बच्चे ने 10 वस्तुएं ली, सॉफ्टनर, पेन, रबड़। तो उन्हें काउंटिंग करके 2 पेन बताया, 5 रबड़ और 3 सॉफ्टनर, इस प्रकार से बच्चे ने बताया। तो उसे जो जो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था वो तो हमारा फर्स्ट वाला कि बच्चे ने अमूर्त और असंगत क्रम सिद्धांत का उपयोग किया, तो ये उसने उपयोग किया। तो ये हमारा आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा सेकंड के की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 या 34 के स्थान पर 43 या 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे या समझाएंगे। तो जैसे कि एक शिक्षिका ने क्या कहा था, कक्षा सेकंड या क्लास सेकंड के बच्चों से 4 इकाई और 3 दहाई की संख्या लिखने के लिए बोला। तो कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया, 34 लिख दिया और कुछ ने 43 लिख दिया। तो शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। सेकेंड है स्तंभ विधि से अभ्यास कराने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। फोर्थ है विद्यार्थियों गिनतारा पर प्रदर्शन करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। फोर्थ है उन्होंने बताएंगे कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर लिखने को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। तो जैसे कि इसमें दिया गया कि हम विद्यार्थी क्या है मूर्त चिंतन कराएंगे या मूर्त तरीके से सिखाएंगे। तो मूर्त तरीके जो सिखाया गया है वो किस में सिखाया जा रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन में सिखाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे को गिनतारा पे सिखाया जा रहा है। तो पहले प्रदर्शन करने के लिए कहेंगे फिर लिखने के लिए कहेंगे। बच्चे क्या अगर गिनतारा पे एक बार कर लेंगे तो बच्चे यहाँ पे मिस्टेक नहीं करेंगे जिस तरह यहाँ पे की गई है। तो हमारा आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। यह क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया, सीटेट में ऐसा बहुत होता है, क्वेश्चन पहले सही से पढ़ना है तब आंसर देना है। फर्स्ट है प्रतिचित्रण स्थापित चिंतन को बढ़ाता है। सेकंड है प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। थर्ड है प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। फोर्थ है प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। तो यहाँ प्रतिचित्रण की बात की जा रही है वो नहीं वाला हमें यहाँ पे छाड़ना, 3 पॉजिटिव है। तो जैसे कि हम प्रतिचित्रण के बारे में बात करते हैं तो चिंतन से क्या बच्चा सीखता है, तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। प्रोत्साहन देंगे तो इससे भी बच्चा क्या सीखेगा,
अगर हम कोई विषय समझा देंगे इससे भी बच्चा क्या सीखेगा, तो ये हमारे पॉजिटिव में हो गए। अगर हम नेगेटिव में बात करें तो इससे क्या सेकंड आंसर, सॉरी हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि प्रत्यक्ष चित्रण से केवल क्या पाठ्यक्रम भाग नहीं है, ऐसा नहीं है। तो गणित क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ दोस्तों के साथ में, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। आकृतियों की बात की जा रही है जो कि प्राथमिक लेवल से नहीं संबंध रखती। फर्स्ट है प्रतिरूप या पैटर्न, सेकंड है कोण, थर्ड है ज्यामिति, फोर्थ है चौपड़। तो प्राथमिक लेवल पर कौन सा समकोण या संबंध नहीं रखता है वो इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, कोण प्राथमिक लेवल पर बच्चों को नहीं सिखाया जाता है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। फर्स्ट ए है गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, सेकंड बी है गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, सी है गणित को आनंददायक बनाने में, डी है समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहन करने में। तो उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन करना है हमें। तो सही कथन कौन सा होगा, पहेलियां पूछी जाती है वो किस प्रकार से होती है गणित में, तो ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होता है, जैसे देखा जाए कि गणित से सकारात्मक पहेलियां करेंगे तो सकारात्मक विकसित करेंगे बच्चों में, और प्रतिदिन के विचार संबंधों में स्थापित करेंगे, आनंददायक बनाते हैं क्योंकि हम खेल खेल में चीजें सीख रहे हैं तो बच्चे क्या और कौशल प्रोत्साहन करने में भी समस्या समाधान करने में भी होता है। तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सॉरी सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी तीनों ही आप यहाँ पे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ में, दिए गए एक आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है परंतु कक्षा फोर्थ के अनेक विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है, शिक्षक विद्यार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है दोनों की क्षेत्रफलों को समान है। तो पहले तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कागज मोड़ने के प्रयोग से, सेकंड है पैमाने के प्रयोग से, थर्ड है जियोवर्ड के प्रयोग से, फोर्थ है आलेख या ग्राफ पेपर के प्रयोग से। तो जैसे कि यहाँ पे आयत के बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में बात की जा रही है, क्षेत्रफल के बारे में, तो मगर जो बच्चे जो शिक्षार्थियों ने क्या उत्तर दिया है वो चतुर्फल के क्षेत्रफल के बारे में दिया गया है, तो कैसे हम समझाएंगे या सबसे अच्छा कौन सा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम बात करेंगे यहाँ पर, पहले के ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर को अच्छे से समझाया जा सकता है, क्योंकि ग्राफ पेपर क्या बहुत सारे डब्बे बने होते हैं, खाने बने होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम बच्चों को आराम से इजीली तरीके से समझा सकती हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें साथ ही साथ में, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में, नेगेटिव आंसर पूछा गया है एनसीएफ के अकॉर्डिंग, 2005 के अकॉर्डिंग उद्देश्य नहीं है गणित में, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो फर्स्ट है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना या कराना, सेकेंड है गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, दो ऑप्शन और देखते हैं इसके, थोड़ा दूर है चलो कोई बात नहीं एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, तीसरा है समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुति के कौशलों को प्रोत्साहित करना, फोर्थ है यहाँ पे तर्कसंगत विचारों को प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर हमें नेगेटिविटी क्वेश्चन आंसर देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमारा नेगेटिव जैसे कि हमें यहाँ से समस्या समाधान प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं तो हमारा यह क्या है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, प्रोत्साहन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कीवर्ड का काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हमारा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और ये भी हमारा तर्कसंगत विचारों की बात कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे तर्कसंगत विचारों की बात कर रहा है, तो जिसके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे भी प्रोत्साहन करने की बात हो रही है, तो ये भी क्या हमारा पॉजिटिव कीवर्ड है और यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा दोनों पॉजिटिव में हमें आंसर देना है नेगेटिव में। तो ऊपर जाके देखते हैं, जैसे कि दोनों वो अभी थर्ड और फोर्थ वाले हमारे पॉजिटिव में बात कर रहे हैं, और थर्ड सेकेंड देखते हैं बच्चे को जिंदगी से अनुभव कराना, तो ये भी हमारा पॉजिटिव आंसर की बात कर रहा है, क्योंकि रियल लाइफ से जोड़ने की बात की जा रही है एनसीएफ के अकॉर्डिंग, तो ये भी हमारा पॉजिटिव में, तो हमारा आंसर हमें नेगेटिव में देना है। तो जैसे कि नहीं है यहाँ पे बात कर रहा है नहीं है एनसीएफ के अकॉर्डिंग, तो हमारा ये नहीं वाला हो जाएगा फर्स्ट वाला आंसर इज करेक्ट, क्योंकि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई के लिए तैयारी कराना, हमें उच्चतर अमूर्त पढ़ाई की तैयारी हमें आगे नहीं बढ़ाना बच्चों को, ऐसा उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य हमारा होता है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे ज्ञान प्राप्त हो सके और हमें पास के या बाहरी एनवायरनमेंट से जोड़कर पढ़ाया जाए, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहे साथ साथ में, दो
अंकीय संख्या को दूसरी एक अंकीय या दो अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? या दो अंकीय संख्या के बारे में बात की जा रही है और गुणा करने के बारे में बात की जा रही है, तो पूर्व जानकारी पर होना आवश्यक के बारे में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है योग का क्रमेवीय नियम गुण, सेकंड है गुणन का क्रमेवीय नियम गुण, थर्ड है गुणन योग पर वितरण के रूप में, फोर्थ है गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। तो ये बात कही जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें दो गुणा करने की वाली संख्या की बात की जा रही है। तो प्रतिक्रिया को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे बेहतरीन जो हमारा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला, पहले गुणा करेंगे फिर योग करेंगे फिर वितरण के रूप में प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित कौन सा या निम्नलिखित से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? तो कौन से कारण को नहीं मान सकते हैं भयभीत होना और असफल होने की को? तो फर्स्ट है कक्षा कक्षी के अनुभव, सेकंड है प्रत्यात्मक संकेत, थर्ड है गणित की संरचना, फोर्थ है लैंगिक भेद। तो हमारा जो नहीं होगा वो हमारा क्या होगा? लैंगिक भेद नहीं होगा। इसमें ये नहीं कह सकते कि वो लड़की है या लड़का है या उसमें गणित पढ़ने में कमजोर है, यहाँ पे सभी समान होते हैं, बस यहाँ पे शिक्षण विद्या बेहतरीन मिलनी चाहिए गणित सीखने के लिए। तो ये करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको वीडियो मिलती रहे, बेल आइकन को प्रेस करें जैसे आपको नोटिफिकेशन आया जब भी वीडियो डलती है। तो क्वेश्चन देखते हैं, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्न में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो फर्स्ट है जियो बोर्ड, सेकेंड है मोती माला, थर्ड है ग्राफ पेपर, फोर्थ है गिनतारा। देखो यहाँ दशमलव संख्या पढ़ाने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे किस पे जाएंगे? जियो बोर्ड पे चले जाएंगे, गिनतारा पे चले जाएंगे। ये हमारा क्या है, गिनतारा हमें दहाई और इकाई वगैरह पढ़ाने में मदद करती है। अगर हम दशमलव संख्या पढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हमारा सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा ग्राफ पेपर, क्योंकि ग्राफ पेपर के काफी छोटे छोटे डब्बे होते हैं और उन्हें किसी माध्यम से मानकर हम मान लेंगे तो हम आंसर इज द करेक्ट दे पाएंगे, समझा पाएंगे बच्चों को। तो इसमें हमारा सबसे बेहतरीन आंसर होगा ग्राफ पेपर इज द करेक्ट आंसर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती रहे। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, हमें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छी मिल रहा है तो इससे बेहतर होता है। तो सीटेट तैयारी में लगे रहो, जैसे ये डेट आएगी हम आपको बता देंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।